मैं NIT उत्तराखंड का एक छात्र हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ नेशनल मीडिया को ये बताने के लिए कि NIT उत्तराखंड में 30 दिनों से एजिटेशन चल रहा है। बच्चे जब 23 दिन तक एजिटेशन किया कॉलेज में बैठने के बाद, वो कॉलेज छोड़कर NIT उत्तराखंड छोड़कर चले गए, जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है, वो बच्चों के जाने की वजह से बंद हो चुका है। ये घटना इसलिए स्टार्ट हुई कि 3 अक्टूबर को नीलम मीना और नुपुर मुंडा, जिसका एक्सीडेंट हुआ था नेशनल हाईवे 58 पर, जब वो अपने कॉलेज से निकलकर अपने लैब के लिए जा रही थी, और ये गलती जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों की है। क्योंकि आज तक 2009 में जो NIT एक्ट के अंदर जो कॉलेज बनी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके एक भी मापदंड पर यह खरा नहीं उतरता है, फिर भी उस NIT को वहाँ एस्टेब्लिश किया गया था रिवर के बैंक पे नेशनल हाईवे के सामने, जो कि एक पॉलिटेक्निक के टेम्पररी कैंपस में चल रहा है। फैब्रिकेटेड बिल्डिंगें हैं इसकी, वहाँ पे एक रूम में 4, 5, 6 बंदे रहते हैं एक एक साथ, ना वहाँ पे उनके लाइफ को सिक्योरिटी है, ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई टीचर आना चाहता है वहाँ पे, ना ही हमारी लैब्स डेवलप है। इवन NIT के एक भी मापदंड को वो NIT पूरा नहीं करता है, फिर भी सरकार ने उसको खोला और 10 साल तक चलाया। अभी तक 4 बैच पास आउट हो चुके हैं उसके, और उसके जितने भी लॉसेस हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। 30 दिन तक बैठने के बाद भी स्टूडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, और क्या कहते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, MHRD के मिनिस्टर को, MHRD के सेक्रेटरी को, सारे लोगों को चिट्ठियाँ लिखी, सारे बच्चे कॉलेज छोड़कर चले गए। सारी मीडिया ने बताई, सारे बच्चों ने अपनी 3 डिमांड रखी मेन, कि एक तो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ उसकी पूरी की पूरी जो इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ले, और अब वो लड़की जो है कमर से नीचे पूरी की पूरी पैरालाइज हो चुकी है, तो अब उसके लाइफ का बहुत मेजर पार्ट लॉस हो चुका है, तो गवर्नमेंट उसके प्रॉपर रहने की व्यवस्था करे, प्रॉपर उसके जॉब की व्यवस्था करे और सिक्योरिटी की व्यवस्था करे। दूसरी, वहाँ पर लाइफ, हर बच्चे के लाइफ को, टेक्निकल एजुकेशन को, टेक्निकल एक्सपोजर को, मेडिकल एक्सपोजर को, हर चीज़ की दिक्कत है, तो उस टेम्पररी कैंपस को उठाकर उसको एक ऐसे जगह तत्काल शिफ्ट करें जहाँ पर सारे बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, जो कि एक NITians को मिलनी चाहिए। क्योंकि NIT पूरे देश के टैक्सपेयर्स के पैसे से चलती है और ये उत्तराखंड को मिली है, तो पूरे देश के टैक्सपेयर का पैसा प्रॉपर जगह पे इनपुट लगना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड लास्ट में ये है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि NIT को परमानेंट लैंड अलॉट किया जाए और ऐसे जगह पे अलॉट किया जाए जहाँ पे टेक्निकल एक्सपोजर हो, मेडिकल की फैसिलिटी हो, एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, एक्सपर्ट्स आए और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स वहाँ पे आके उन प्लेसमेंट ड्राइव कराएं, क्योंकि कंपनियाँ भी ऐसे जगहों पे नहीं आना चाहती है जहाँ पे साल में 3 महीने 4 महीने रास्ता बंद रहता है। तो परमानेंट जब ये टेक्निकल ठीक नहीं थी यूनिवर्सिटी, तो इसको मान्यता किसने दे दी वहाँ बनाने की? ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब ये टेक्निकल एजुकेशन के लायक फिट इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, तो इसको कैसे उस जगह पे एस्टेब्लिश किया गया और कैसे चलाया गया। DMRC की रिपोर्ट है, DMMC की रिपोर्ट है, और ये वो कहती है कि इस जगह पे टेम्पररी कैंपस कंस्ट्रक्शन लायक था ही नहीं, क्योंकि वो रिवर के बैंक पे है। पूरा एरिया 2013 में फ्लडेड हो चुका था, बाढ़ के अंदर डूब चुकी थी पूरी की पूरी इलाका, पर फिर भी वहाँ उस जगह पे उस टेम्पररी कैंपस को एस्टेब्लिश किया गया फैब्रिकेटेड बिल्डिंग के अंदर, जहाँ ना कोई इमरजेंसी गेट है, ना आसपास कोई ढंग का मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, और एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है भी वहाँ पे, तो उसमें डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसको उस स्टेट के CM ने, ये जो लैंड था जिस पर अभी बनी हुई है, ये किसी प्राइवेट का था या सरकार का था लैंड? अभी ये राज्य सरकार की पॉलिटेक्निक कॉलेज चलती है वहाँ पर, और उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर ये कॉलेज चल रहा है। एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें चलता है, एक गवर्नमेंट ITI है उनका, वहीं पे वहाँ पर लैब चलता है। तो अब सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से 3 डिमांड यही है कि उस लड़की जो अब कमर से नीचे पूरी पैरालाइज हुई है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, अब उस लड़की का हर एक एक चीज़, उस लड़की के जॉब की व्यवस्था की जाए, उस लड़की का पूरा प्रॉपर लाइफ तक इलाज चलेगा, उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। और दूसरी डिमांड यह है कि अब एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है तो कोई टेम्पररी सॉल्यूशन अब इसका नहीं हो सकता है। सारे बच्चों के लाइफ को सिक्योरिटी दी जाए और उस टेम्पररी कैंपस को वहाँ से उठाकर किसी और जगह शिफ्ट किया जाए तत्काल। और तीसरी, लैंड अवेलेबल कराया जाए और लैंड पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो NIT के किसी मापदंड को पूरा नहीं करने की वजह से इस NIT को बंद कर दिया जाए, इसका इंटेक जीरो कर दिया जाए, ताकि आने वाले यंगस्टर का फ्यूचर बर्बाद ना हो।